मुझे कुछ काट रहा है, लगता मेरी शर्ट में कुछ चला गया। भैया आप मेरी हेल्प करोगे, मेरी शर्ट उतार दो। पर मैडम मैं आपकी शर्ट कैसे, मतलब? अरे मैं खुद बोल रही हूँ ना, मेरी शर्ट उतार दो, मुझे काट रहा है कीड़ा, उतारो। करता हूँ करता हूँ। दूर हटो और तुम इधर आओ। फंस गया मुर्गा जाल में। ये वीडियो देख रहे हैं? ये हमने वहां दूर से बनाई है। दूर से देखने में ऐसे नहीं लग रहा कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो, कि तुम मेरी शर्ट के बटन खोल रहे हो और मैं तुम्हें खुद से दूर कर रही हूँ। लग रहा है ना, तुम्हें पता है ये वीडियो हमने जानबूझकर बनाई है ताकि तुम्हें अपने जाल में फंसा सके। देखो तुम ये गलत कर रही हो, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था, ये वीडियो तुमने क्यों बनाई? हाँ हाँ मुझे पता है तुमने कुछ भी नहीं किया, ये सब कुछ किया धरा ना मेरा था, क्योंकि मुझे तुमसे पैसे चाहिए। सोचो अगर मैंने ये वीडियो एडिट करके कहीं पर डाल दी, वायरल कर दी, तो तुम्हारा क्या होगा? मैं ये वायरल कर दूंगी, बोल करूँ वायरल? देखो तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, और मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था ना। अबे ओ बहुत हो गया तेरा, चुपचाप करके पैसे डिले कर, चल निकाल के आ तेरे पास, पर्स निकाल। देखो तुम दोनों बहुत गलत कर रहे हो, मैं कोई पैसे नहीं दूंगा, मेरी ये वीडियो अभी के अभी डिलीट करो। अबे ओ बहुतों को लूटा है तेरे जैसे को, और ऐसे ही देखा है मैंने माफी मांगते हुए, चुपचाप करके ना पैसे निकाल, और हाँ ये वीडियो डिलीट कर देंगे लेकिन तुझे पैसे निकालने होंगे। हाँ चल निकाल, कितने पैसे तेरे पास? चल तुम्हें तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, ये पकड़ो, ये पूरे 30,000 है, मैं अभी अभी बैंक से निकलवा के आया था, लेकिन अब मेरी वीडियो को डिलीट कर दो। पता है हमें कि तू बैंक से निकलवा के आया था, तभी तो तेरे पीछे आए हैं। हाँ ये वीडियो डिलीट कर देंगे, कर देंगे डिलीट, ऐसे कर तू अपना व्हाट्सएप नंबर दे। व्हाट्सएप नंबर? लेकिन क्यों? जितना बोला गया है उतना कर, व्हाट्सएप नंबर दे चल। 9814848। देखो ये वीडियो को प्लीज डिलीट कर दो। हाँ कर देंगे, और तुझे व्हाट्सएप पे बता भी देंगे। इसका नंबर है। हेलो जल्दी से व्हाट्सएप खोल। लेकिन तुम कौन? पता चल जाएगा कौन हूँ मैं, व्हाट्सएप खोल जल्दी से। ये तो वही वीडियो है जो उस लड़का लड़की ने बनाई थी। हेलो हेलो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे और तुम्हें कहा था कि ये वीडियो डिलीट कर दो, तुमने वीडियो क्यों नहीं डिलीट की, इसे अभी के अभी डिलीट करो। कर देंगे वीडियो डिलीट कर देंगे, अभी तक तुझे डिलीट नहीं हुई। ऐसे कर तू 20,000 और भेज, वीडियो डिलीट हो जाएगा। लेकिन मैंने उस दिन तुम्हें 30,000 दिए थे ना, अब 20,000 फिर से? देखो ये तुम बहुत गलत कर रहे हो। मैं कोई पैसे नहीं दूंगा, ये वीडियो को डिलीट करो अभी के अभी। देख अगर ये वीडियो डिलीट करवाना है तो 20,000 तुझे भेजना पड़ेगा, वरना ये वीडियो वायरल हो गया तुझे तो पता है ना तेरे साथ क्या होगा फिर। अच्छा ठीक है मैं करता हूँ, लेकिन इसके बाद मेरी वीडियो डिलीट हो जानी चाहिए। बस लास्ट टाइम, इसके बाद वीडियो डिलीट हो जाएगा। ऐसे कर तो उधर से 20,000 सेंड कर दे, इधर से वीडियो डिलीट। ठीक है लास्ट टाइम है बस। हाँ लास्ट टाइम ठीक है। वो हो गई ट्रांसफर, पर मेरी अभी वीडियो को डिलीट कर दो। बस कर ही दे। पचास हजार भेज, वीडियो डिलीट कर देंगे। भैया पूरा 1.5 हफ्ता हो चुका है आपको मेरी वीडियो बनाए और मुझे ब्लैकमेल करते हुए, और कितनी बार मैं आपको पैसे दूं? पूरे 1,00,000 दे चुका हूं, अब तो मेरे पास कुछ बचा भी नहीं है भैया देने को, प्लीज भैया मेरी वीडियो डिलीट कर दो, मैं और नहीं पैसे दे सकता आपको। तू बस 50,000 भेज, वीडियो डिलीट पक्का। भैया कहाँ से लाऊं मैं 50,000, मेरे पास सच में नहीं है पैसे। भैया भैया प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी वीडियो डिलीट कर दो, मेरे पास सच में इस बार पैसे नहीं है। देख मुझे नहीं पता तू क्या बेचेगा क्या नहीं बेचेगा, तू 50,000 भेज और पक्का। कसम से मैं कह तो रहा हूँ कि जब तू बाबा की कसम मैं सच में डिलीट कर दूंगा वीडियो। ठीक है भैया एक मिनट होल्ड रखना। सर आगे क्या करूँ सर? उसको बोल ठीक है
मैं ये आखिरी बार 50,000 दे दूंगा, लेकिन इसके बाद वीडियो डिलीट कर दियो। उसको लगना चाहिए सब कुछ रियल से बिल्कुल सही चल रहा है। उसको ये बोल इस बार मैं बैंक ट्रांसफर नहीं कर सकता क्योंकि बैंक में मेरे पास फंड्स अवेलेबल नहीं है, मेरे पास कैश पड़ा है, मैंने अपने घर का वो सोना वोना बेचा है, मैं उससे तेरे पैसे दे दूंगा। तू ऐसे कर, मेरे को कहीं पे मिल, मैं वहां पे तेरे को पैसे पकड़ा देता हूं। उसको मिलने बुला और पता करिए कहां पे मिलने बुला रहा है। भैया ठीक है, मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूँ, पूरे 50,000 मैं दे दूंगा आपको, लेकिन इस बार ना मेरे पास बैंक ट्रांसफर करने के लिए पैसे नहीं है। मेरे पास कुछ पैसे घर पे बचे हुए पड़े हैं, मैं वो ही आपको दे दूंगा। मेरे पास कैश पड़े हैं, आप मेरे को बता दो कि कहाँ पे आके देने हैं, मैं आपको आके दे देता हूँ। चल ठीक है, तो जमुनानगर आ जा, बिट्टू पनवारी के यहाँ, ठीक है? यमुनानगर थाने पे कॉल करो, उसको बोलो जो पास है पनवाड़ी है ना नदी के पास, वहां पे पहुंचे फटाफट, वहीं से कहीं ये रैकेट चल रहा है, वहीं पे खड़ा है वो लड़का जो यहाँ का मेन मेंबर है, फटाफट पुलिस को वहां पे भेजो, हमारी टीम को भेजो फटाफट वहां पे। अब उसको ये बोल कि मैं 20-25 मिनट में वहां पे पहुंच जाऊंगा कैश लेके, उसको 20 मिनट तक वहां पे वेट करवा, वैसे तो 5 मिनट पुलिस वहां पे पहुंच जाएगी, लेकिन उसको ऐसे ही बोल। ठीक है भैया, मैं आपके पास बस 20 मिनट में पहुंच रहा हूं, आप वहीं पे रहना, मैं आपका पैसा लेके आ रहा हूं, लेकिन भैया इस बार मेरी वीडियो डिलीट हो जानी चाहिए। हाँ हाँ कर दूंगा पक्का, प्रॉमिस कह तो रहा हूँ मैं, इस बार तो पक्का वीडियो डिलीट कर दूंगा। ठीक है, ठीक है भैया, चल फोन रख, आ जा। ये पुलिस का सायरन? सनी ये सब क्या हो रहा है, घर के बाहर इतनी सारी पुलिस है, तुमने कुछ किया है क्या? क्या पुलिस घर के बाहर कैसे? हेलो, मैं इंस्पेक्टर विशाल बात कर रहा हूँ जगतपुर थाने से। बहुत टाइम से तुम लोग ये रैकेट चला रहे थे हैं, तुमको क्या लगता था कि तुम कभी पकड़े नहीं जाओगे? हर कुत्ते का दिन आता है और तुम्हारा भी एक ना एक दिन आना ही था। चोर कितना भी चलाको लेकिन पुलिस जितना तेज दिमाग नहीं हो सकता उसमें। बेटा अब तुम्हारा खेल यहीं पे खत्म, अब तुम्हारा सारा रैकेट पकड़ा जाएगा, अब तुमसे और तुम्हारी टीम से वो सारा पैसा वसूला जाएगा जो तुमने इन जैसे शरीफ लड़कों से लूटा था। बेटा तुम्हारा खेल खत्म, तुमको यहीं पे लाया जा रहा है, आ जाओ, तुम्हारा अच्छे से वेलकम करते हैं, अच्छी रिमांड लगने वाली है तुम्हारी। शुक्रिया यार, आज तुम्हारे साथ ये प्लान बनाकर हमने इस रैकेट को पकड़ ही लिया। हमारे पास इतने केस रजिस्टर हो रखे हैं सेम ही केस के, लेकिन आज फाइनली ये खेल खत्म हुआ, सारा केस सॉल्व हो जाएंगे। शुक्रिया यार, और बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पुलिस पे भरोसा रखना, पुलिस अपना काम कर रही है, तुम्हें वो सारा पैसा तुम्हारा वापस मिल जाएगा सूद समेत। और एक चीज़ का ख्याल रखना, ज़माना बहुत ख़राब हो चुका है, हम रोज़ ऐसे ऐसे केस सुनते हैं कि हमें खुद यकीन नहीं होता। लोग आजकल मगरमच्छ के आंसू ले घूम रहे हैं, तो हमेशा हेल्प उसकी करो जो वाकई हेल्प के लायक हो, सोच समझ के। थैंक यू सो मच सर, अगर आज मेरी आप हेल्प ना करते तो पता नहीं वो दोनों ने मेरे साथ क्या करना था, मेरी तो बहुत बदनामी हो जाती। आपकी वजह से आज मेरी हेल्प हो पाई और वो वीडियो भी डिलीट हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू तो भाई तुम्हारा भी यार, तुमने आज पुलिस की मदद की है। थैंक यू सर।